Hey, what's up guys, welcome back again. यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे हाथ में यहाँ पे iPhone 5s, यहाँ पे iPhone 6, तो दोनों का यहाँ पे आज करेंगे यहाँ पे कंपैरिजन. और क्या दोनों iPhone आज की डेट में भी सही है? देखो यहाँ पे मैंने पहले भी यहाँ पे इनका एक वीडियो बना के रखा हुआ है iPhone 5s के ऊपर, यहाँ पे 6 के ऊपर, बट यहाँ पे हम करने वाले हैं कंपैरिजन दोनों iPhones में. तो यहाँ पे कुछ करेंगे हम, यहाँ पे बेसिक यहाँ पे कुछ बेसिक से यहाँ पे टेस्ट. तो वीडियो को यार पूरा एंड तक देखना. तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं. देखो यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो मेरे हाथ में iPhone 6, तो ये iPhone 6 यहाँ पे जो है आया था 2014 में. हमको यार 2014 में यहाँ पे इसको देखने मिलता है. एंड हमारे पास जो iPhone 5 है, आप देख पा रहे हो, ये आया था यार हम लोगों को देखने मिला था 2013 में. तो देखो iPhone यहाँ पे 6 का क्या है, यहाँ पे A8 चिप है. और A8 चिप वाकई में यार आप देखो तो यहाँ पे iPhone 5s थोड़ा फास्टर है, जो कि आपको यहाँ पे टेस्ट करने के बाद यार पता चल जाएगा. बट यहाँ पे जो है iPhone 6 बहुत ही फास्ट है. अगर आप देखोगे यहाँ पे कंपेयर करोगे यहाँ पे iPhone 5s से, तो iPhone 6 का क्या है, यहाँ पे डिस्प्ले में देखो अगर आप तो कंपेयर करो तो यहाँ पे होगा क्या कि डिस्प्ले थोड़ा सा इसका बड़ा है, ठीक है. एंड iPhone 6 अगर आज की डेट में देखो तो मोस्ट ऑफ द पीपल के पास मैंने ये iPhone देखा है एंड आज भी यार यूज़ करते हैं. और यहाँ पे देखो iPhone 5s का क्या है, यहाँ पे 2013 में हमको यहाँ पे देखने मिला था, 2013 में हमको ये iPhone यहाँ देखने मिला था A7 चिप के साथ, जो यहाँ पे फर्स्ट चिप था 64 बिट का. एंड यहाँ पे फर्स्ट जनरेशन हम लोग को यहाँ पे टच आईडी भी देखने मिला था. तो यहाँ पे देखो iPhone 5s का क्या है, यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे सपोर्टेड है अगर आप बात करो. और इसके डिज़ाइन को देखो तो यार थोड़ा सा मतलब iPhone 6 से आपको छोटा देखने मिलेगा. अगर मैं आप दिखाऊँ आपको तो आप लोग देखो डिज़ाइन में थोड़ा सा मतलब अलग है. और प्लस यहाँ पे साइज़ में भी यार थोड़ा 6 यहाँ बड़ा है कंपेयर करें तो यार 5s से. दोनों में देखो यहाँ पे एक डिफरेंस है कि देखो यहाँ पे एक में रन करता है A8 चिप और एक यहाँ पे A7 चिप. दोनों में iOS 12 रन करता है. अभी लेटेस्ट इनका अपडेट था 12.5.5, तो दोनों में हम लोग को सेम अपडेट यहाँ पे देखने मिलेगा. तो यहाँ पे हम लोग चलो करते हैं यहाँ पे कुछ बेसिक से टेस्ट. तो बेसिक से टेस्ट में हम लोग पहले खोलते हैं यार कैमरा के ऐप को, देखते हैं कौन सा पहले यहाँ पे यार लोड लेता है. और जैसे मैं यहाँ पे देखो क्लिक करने की कोशिश करूँगा और यहाँ पे देखना कौन सा पहले यार ओपन लेता है. तो यार चलो स्टार्ट करते हैं. और जैसे ही मैंने यार कैमरा को यहाँ पे प्रेस किया, देख सकते हो यहाँ पे 6 पे पहले यहाँ पे लोड लिया है. तो वाकई में 6 थोड़ा सा फास्ट होता हुआ दिख रहा है. बट यहाँ पे और कुछ यहाँ पे टेस्ट करने वाले हैं. तो यहाँ पे हम चलते हैं यहाँ पे वेदर ऐप को, ठीक है. तो दोनों देखो मैंने एक साथ ही यहाँ पे प्रेस किया और लगभग कुछ ज़्यादा कुछ खास डिफरेंस नहीं था, दोनों लगभग यहाँ पे एक साथ ही ऑन हुआ है. एंड दूसरे ऐप के पास चलते हैं और दूसरे ऐप में देखते हैं यार क्या होता है. तो सेटिंग में खोलते हैं एंड देखते हैं ये क्या ओपन होता है कि नहीं. सेटिंग में देखो यार मैंने क्या किया था, 6 पे सेटिंग पहले खोल कर रखा था तो ये कोई मतलब टेस्ट नहीं हुआ. तो यार दूसरे ऐप पे चलते हैं, दूसरा ऐप को यहाँ पर टेस्ट करके देखते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे हम टेस्ट करेंगे यहाँ पे कुछ थर्ड पार्टी ऐप को लेके. और यहाँ पे हमारे थर्ड पार्टी ऐप में यहाँ पे है क्रोम. तो यहाँ पे हम क्रोम को ओपन करके देखते हैं कौन सा पहले यार लोड लेता है. तो यहाँ पे अगर मैं क्रोम को यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आप देख सकते हो मेरा ये जो है 6 पे यार पहले लोड लिया है. एंड अभी भी 5s यार स्ट्रगल कर रहा है ओपन होने में. बट रिलेटिवली आप देखोगे यहाँ पे तो 5s थोड़ा देर से लोड लेता है और यहाँ पे 6 यहाँ पे विन करता है. एंड देखो यहाँ पे चलते हैं दूसरे ऐप की तरफ. तो यहाँ पे आप अगर देख पाओगे तो मैं यहाँ पे खोलने की कोशिश करूँगा यहाँ पे इनका म्यूज़िक का ऐप. और जैसे ये ऐप खुलता है आप देख सकते हो सबसे पहले कंटेंट यहाँ पर लोड लेता है iPhone 6 पे और 5 थोड़ा सा स्ट्रगल यहाँ पे करता हुआ दिखने मिलेगा आपको. एंड दूसरे ऐप के पास चलते हैं और यहाँ पे देखते हैं यहाँ पे ओपन करके यहाँ जो नेक्स्ट ऐप यहाँ पे हम खोलने वाले ये यार यूट्यूब. तो यहाँ पे खोलने की कोशिश करते हैं, देखते हैं कौन सा पहले यार किस में कंटेंट पहले लोड लेता है. और जैसे मैंने इसको खोला है एंड यहाँ पे देखते हो 6 पहले यहाँ पे लोड लिया यहाँ पे ऑफलाइन और यहाँ पे 5s थोड़ा यार स्ट्रगल कर रहा है. एंड यहाँ 5s पे भी यार ओपन हो चुका है यहाँ पे, बट यहाँ पे 6 जो है यहाँ पे पहले लोड लेता है. और चलते हैं दूसरे ऐप की तरफ और देखते हैं यार कौन सा पहले लोड लेता है. स्पॉटिफाई को मैं यहाँ पे खोलूँगा एंड दोनों में एक साथ ही खोलेंगे, देखते हैं यहाँ पे कौन सा पहले जो यहाँ पे लोड लेता है. एंड दोनों में मैंने एक साथ ही यहाँ पे खोला है एंड मेरे को लगता है यहाँ पे 6 पे पहले खुलना चाहिए. एंड आप देख सकते हो यहाँ पे 6 से पहले खुल चुका है, यहाँ पे कंटेंट भी यहाँ पे लोड ले चुका है.
बट यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो 5S जो है थोड़ा सा स्लो है अगर आप कंपेयर करो यहाँ पे आईफोन 6 से। एंड देखो बोथ आईफोन यहाँ पे आज के डेट में देखो तो मोस्ट ऑफ द टाइम यहाँ पे सब यहाँ पे ऐप सपोर्ट लेता है। कुछ ऐप्स को यार आप अगर छोड़ दो, यहाँ पे नेटफ्लिक्स हो गया, ट्विटर हो गया, एवरनोट हो गया, गराज बैंड गया, सब बहुत सारे कुछ ऐप्स हैं जो यहाँ पे आज की डेट में आप देखो तो यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता। आप अगर 5S को देखो, 6 देखो, दोनों में यहाँ पे क्या है ऐप्स को लेके यहाँ थोड़ा सा यहाँ प्रॉब्लम आ रहा है। तो फ्यूचर में हमको हो सकता है देखने मिलेगा कि यार 5S और 6 में दोनों में ही हमको यहाँ पे ऐप्स को लेकर बहुत ही यार स्ट्रगल करने को देखने मिलेगा। देखो हो ये रहा है कि अगर आप आज की डेट में यहाँ पे ऐप्स डाउनलोड कर रहे हो तो यहाँ पे डाउनलोड नहीं हो रहा है कुछ ऐप्स को छोड़ के, बाकी मोस्ट ऑफ द ऐप्स आप अगर देखोगे तो यहाँ पे इंस्टॉलेबल है, चाहे वो इंस्टाग्राम हो गया, चाहे वो यूट्यूब हो गया, यहाँ पे आप व्हाट्सएप भी आप यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो। कौन सा फास्ट आईफोन है अगर आप मैंने दोनों में कंपेयर किया, देखो यहाँ पे आईफोन 6 अच्छा परफॉर्म करता हुआ दिखा और ऑब्वियसली इसका रीज़न है यार पे इस पर लगा हुआ यार A8 चिप जो कि यार रिलेटिवली यहाँ पे आईफोन 5S से थोड़ा सा फास्ट है। नेक्स्ट देखो हम यहाँ पे मूव कर रहे हैं यहाँ पे इनके आईफोन के बैटरी को लेके, आईफोन 6 का बैटरी कैसा है एंड द आईफोन 5S का बैटरी कैसा है। तो आईफोन 5S का क्या है, यहाँ पे जो बैटरी है थोड़ा सा मेरे को यहाँ पे बहुत कम मतलब परफॉर्मेंस देखने मिलता है, यूजुअली बहुत जल्दी डाउन हो जाता है अगर आप कंपेयर करो 6 से। और 6 का बैटरी क्या है कि अगर 6 का बैटरी अगर 5S से कंपेयर करो तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करता है, चाहे वो यहाँ पे इसका स्टैंड बाय हो या तो कोई ऐप्स आप यूज़ कर रहे हो या कोई आप गेम खेल रहे हो, तो यहाँ पे दोनों में आईफोन में अगर देखो तो 6 थोड़ा सा बेटर परफॉर्म करता है और यहाँ पे स्क्रीन ऑन टाइम जो आपको देखने मिलता है वो 5S से ज़्यादा बेटर यहाँ पे 6 में है। देखो यहाँ पे कौन सा आईफोन आपको चूज़ करना चाहिए आज के डेट में, अगर मेरे से पूछोगे तो मैं यहाँ पे चूज़ करूँगा आईफोन 6, क्योंकि यार देखो यहाँ पे आईफोन 5S थोड़ा सा परफॉर्मेंस में यार थोड़ा सा मतलब कम लगता है मेरे को और ऑब्वियसली यहाँ पे आईफोन 6 बेटर परफॉर्म करता है, तो दोनों में से मैं यार यहाँ पे आईफोन 6 लेना चूज़ करूँगा। तो कैसा लगा ये वीडियो प्लीज़ मेरे को बताओ कमेंट में, अच्छा लगा वीडियो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो यार, पूरा कर दो यार हमारा इस साल का गोल 10K। बाय।